छोटे पर्दे के पीछे की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव शेड्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव शेड्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके फेवरेट टेलीविजन शोज से रिलेटेड सारे अपडेट्स। और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं जी टीवी के पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के सेट से। तो चलिए अब जानते हैं कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के सेट पर आखिर ये सारे किस बात की खुशी मना रहे हैं। कि हमने आपको बताया था कि गुड्डन ने ऑर्गेनाइज किया है ये वेडिंग रिसेप्शन, मगर गुड्डन का प्लान है उस किडनैपर को पकड़ने का जिसने उसकी बहन रेवती को किडनैप किया है। तो रिसेप्शन पार्टी गुड्डन ने ऑर्गेनाइज किया, उसके पीछे कुछ मकसद है गुड्डन का। प्लान है, प्लान फील्डिंग लगाई है हमने किडनैपर को पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से हमारी शादी हुई, जिसने हमारी बहन को पकड़ने के लिए। अब जानना चाहते हैं कि किसने ये मुसीबत एक दूसरे के गले में बांधी है, उसको पकड़ के मारेंगे हम। तो उसको पकड़ने के लिए पार्टी रखी गई है। हाँ, ये मकसद है पार्टी का, मतलब हम एक्चुअली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं कि हमारी रिसेप्शन है, क्योंकि हम लोग तो खैर बहुत परेशान रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये रिसेप्शन पार्टी रखी है क्योंकि हम एक कल्प्रिट को पकड़ना चाहते हैं और गुड्डन ने आँखें देखी। तो ये मास पार्टी गुड्डन का आइडिया है कि इस मास पार्टी में हम आँखें देख के पकड़ लेंगे कि वो कौन था जिसने हमारी शादी कराई धोखे से। और पार्टी में गुड्डन का अंदाज बिल्कुल बदला नजर आ रहा है। यहाँ गुड्डन न सिर्फ खुलकर डांस कर रही हैं, मगर साथ ही एजे के साथ छेड़खानी भी कर रही हैं। स्क्रीन एजे यानी अक्षत काफी सीरियस रोल प्ले कर रहे हों, मगर रियल लाइफ में ये हैं अपने कैरेक्टर से बिल्कुल अलग। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। ऑफ कोर्स डांस कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, व्हाई नॉट, म्यूजिक तो बजे। अक्षत, आपका ये मस्ती भरा अंदाज देखकर हम तो काफी सरप्राइज हुए। लेट्स होप कि सीरियल में भी ऑडियंस को आपका ये जोवियल साइड जल्द देखने को मिले। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव शेड्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।